हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज डॉक्टर मुस्कान। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो आज के इस लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगी टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। आपका जो यूनिट नंबर 1 है टीचिंग एप्टीट्यूड का, उसके अंदर टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स जो टॉपिक है वो मैं आपको करवाऊंगी। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो मैंने ऑलरेडी कॉमर्स के यूनिट्स के ऊपर मैराथन वीडियोस डाल रखी हैं, सो वहाँ से जाके आप पूरी जो है वो प्रिपरेशन अपने कॉमर्स की भी कर सकते हैं, ठीक है। सो चलिए आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले, वीडियो पे चलने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है कंप्लीट पेपर 1 का वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। पूरी स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपको प्रिपरेशन करवाई जाएगी। यहाँ पर आपको 200 प्लस जो है वो रिकॉर्डेड एंड लाइव सेशंस मिलेंगे एंड उन्हीं सभी सेशंस का आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। साथ ही साथ जो है आपके रेगुलर में टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, हर एक यूनिट पूरा होते ही आपके टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे ताकि आपके अच्छे से जर्नल एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस हो जाए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मैं भर भर के आपको अच्छे से प्रैक्टिस करवाऊँ वहां पर, ठीक है, ताकि आपकी पूरी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से दिसंबर एग्जाम जो अभी अपकमिंग एग्जाम आने ही वाला है अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो सके, ठीक है। उसके बाद अलावा जो है अगर आप रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं उसके अंदर आपको कोई भी क्वेरी है तो वहां पे आपका एक ग्रुप बन जाएगा सभी स्टूडेंट्स का, तो उस ग्रुप के अंदर जो है आप मुझसे क्वेरीज ले सकते हैं। ऑन द स्पॉट जो है रियल टाइम में आपकी क्वेरीज सॉल्व कर दी जाएंगी और अगर लाइव सेशन है तो उसके अंदर तो आप डायरेक्टली ही मुझसे उसी टाइम पे क्वेरी ले सकते हैं ना, तो वो भी आपकी ऑन द स्पॉट सॉल्व कर दी जाएगी, ठीक है। चलिए अभी लेक्चर पे चलते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स की, यानी कि टीचिंग करते क्यों है, टीचिंग किस पर्पस के साथ की जाती है, क्या कुछ इसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव रहता है इसके अंदर नॉलेज प्रोवाइड करना, एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना, स्किल्स प्रोवाइड करना। यानी कि बच्चे के पास नॉलेज की कमी है, एक्सपीरियंस की कमी है, स्किल्स की कमी है, तो उसी कमी को यहाँ पर टीचर पूरा करने की कोशिश करते हैं, नॉलेज इम्पार्ट करने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्किल्स शेयर करके जो अल्टीमेट यहाँ पर टीचर का ऑब्जेक्टिव रहता है वो ये रहता है कि स्टूडेंट्स के ना बिहेवियर के अंदर एक पॉजिटिव चेंज लेकर के आना है, उसके अल्टीमेटली उसके बिहेवियर को डेवलप करना है ताकि वो एक अच्छे इंसान भी बन सके, है ना। जब भी बच्चा को कुछ भी आप सीखते हो तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ट अप होता है, है ना। जब कॉन्फिडेंस बिल्ट अप होगा, एक पॉजिटिव चेंजेस आएंगे तो आपकी डेवलपमेंट होती है, आपकी ग्रोथ होती है। तो बस यही टीचिंग के अंदर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव रहता है कि स्टूडेंट्स के अंदर पॉजिटिव चेंज लेके आने हैं, ना सिर्फ और सिर्फ उन्हें किताबी ज्ञान देना है बल्कि उनके बिहेवियर को भी शेप करना है। उन्हें स्पेशली जब छोटे होते हैं हमें मैनर्स भी सिखाए जाते हैं ना, कैसे किस सिचुएशन में डील करना है, कैसे किसके साथ बिहेव करना है, ये भी हमें सिखाया जाता है। तो ये सब जो है वो टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आ जाते हैं। उसके अलावा जो है नए नए इफेक्टिव मेथड यूज़ करके, यहाँ पर अलग अलग तरीके के मेथड्स यूज़ करके टीचर ये कोशिश करते हैं कि बच्चों को बढ़िया तरीके से सिखा सके, है ना। जब बढ़िया तरीके से बच्चे सीखेंगे तो उनके अंदर लर्निंग स्किल्स डेवलप होती हैं। अलग अलग तरीकों से, अलग अलग स्टाइल से टीचर पढ़ाने की यहाँ पर कोशिश करते हैं, अलग अलग मेथड्स का यूज़ करते हैं, अलग अलग जो इंटरैक्टिव टेक्निक्स रहती हैं, टीचिंग एड्स रहते हैं, बढ़िया से इंटरेस्टिंग से एड्स रहते हैं, लाइक एनिमेटेड वीडियोस का यूज़ कर लिया, पीपीटीज का यूज़ कर लिया, है ना। तो यहाँ पर बच्चों को अलग अलग तरीके से एक्टिविटीज़ करवा दी क्लास में, सिखाने की कोशिश की जाती है। जब बच्चे सीखेंगे तो लर्निंग स्किल्स भी डेवलप होंगी और साथ ही साथ उनको सेल्फ एफिशिएंट बनाना, यानी कि एक तरीके से उनको इंडिपेंडेंट बनाना, ये भी टीचिंग के अंदर ऑब्जेक्टिव रहता है। अभी आप कुछ भी सीखते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये पीपीटी आपके सामने खुली हुई है ना, अभी आपको पीपीटी नहीं बनानी आती है, फॉर एग्जाम्पल आपको नहीं बनानी आती है, तो आप जब इसको सीखेंगे बनाना तो कल को जाके जब आप बनाएंगे तो अच्छे से बना सकेंगे। आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा कि हाँ भी किसी दोस्त यार को बोल दे कि भाई बना के दे दे मुझे पीपीटी या सिखा दे, है ना। ऑलरेडी आपने उस चीज़ को सीख लिया। जब आप चीज़ें सीखते हैं तो कहीं ना कहीं आप इंडिपेंडेंट बनते हैं, आपको किसी के ऊपर डिपेंड रहना नहीं पड़ता है, है ना। तो आपको सेल्फ एफिशिएंट बनाना, ये भी टीचिंग के अंदर ऑब्जेक्टिव होता है। और एट द एंड जो है वो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना, स्टूडेंट्स को एनकरेज करते रहना टाइम टू टाइम सीखने के लिए कि नई नई चीज़ें आप सीखो। जितनी ज़्यादा आप चीज़ें सीखोगे, जितना ज़्यादा आप इनिशिएटिव लोगे ना सीखने का, उतनी ही ज़्यादा आपकी ग्रोथ होगी, उतना ही बढ़िया तरीके से आप चीज़ों को कर सकेंगे। आपको लाइफ में किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, है ना। आपकी खुद के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा, कॉन्फिडेंस की कभी आपको कमी नहीं होगी जितना ज़्यादा आप सीखेंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने की कोशिश की जाती है।
अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो जो पहले वाले तीन ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं ना उसको आप प्रायोरिटी देना, क्योंकि मेनली जो है वो नॉलेज इम्पार्ट की जाती है, एक पॉजिटिव चेंज लेके आना, बिहेवियर शेप करना, ये अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव रहते हैं टीचिंग के। ठीक है, अदर ऑब्जेक्टिव भी रहते हैं बट अगर प्रायोरिटी वाइज आपको सेट करना है तो पहले तीन ऑप्शन जो है वो आप सिलेक्ट करके आना। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। ये तो अभी मैंने आपको जो बताए हैं वो जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं टीचिंग के। कई बार ना एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ब्लूम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने, मतलब ब्लूम जो ऑथर थे उन्होंने कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं, प्लस उसके बाद एक और ऑथर आ जाते हैं दैट इज गैगने एंड ब्रिग्स, उन्होंने कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं उसका क्लासिफिकेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ जाता है। तो ये टॉपिक भी आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा, जनरल ऑब्जेक्टिव तो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, सो ब्लूम के अकॉर्डिंग कौन कौन से तीन ऑब्जेक्टिव होते हैं, पहला है कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा है अफेक्टिव डोमेन एंड तीसरा है साइकोमोटर डोमेन। ठीक है, तीनों को हम वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कॉग्निटिव डोमेन की, इसके अंदर क्या कोशिश की जाती है टीचर के द्वारा कि बच्चों को ना इंटेलिजेंट बनाया जाए, है ना, बच्चों के अंदर एक जो उसके जो मेंटल एबिलिटी होती है उसको डेवलप किया जाए। कॉग्निटिव किससे रिलेटेड होता है, माइंड से रिलेटेड होता है, मेंटल प्रोसेस से, मेंटल एक्टिविटी से रिलेटेड होता है। तो किसी भी बच्चे के अंदर जो है एक थिंकिंग एबिलिटी को डेवलप करना, जैसे हम बच्चे होते हैं तो हम बिना सोचे समझे कुछ भी कर देते हैं, है ना, तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम एक्सपीरियंस मिलते हैं, हम चीज़ों को सीखते हैं, तो वैसे वैसे हमारी जो थिंकिंग एबिलिटी है, नॉलेज को एक्वायर करने की एबिलिटी है, पहले सिर्फ उसे हम रट्टे मारते हैं जब हम छोटे होते हैं, है ना, फिर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम चीज़ों को समझने भी लगते हैं, दैट मीन्स हमारी क्या हो रही है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट ही तो हो रही है। तो यही तो ऑब्जेक्टिव रहता है टीचिंग का, इसीलिए तो टीचिंग करवाई जाती है ताकि बच्चों के अंदर क्या हो सके, उनको जो है वो चीज़ों को समझने की उनके अंदर एबिलिटी डेवलप हो सके, चीज़ों के बारे में कैसे सोचना है, प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, उसकी एबिलिटी जो है उनके अंदर डेवलप हो सके। ठीक है, कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, माइनर सा, ये मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगी। ठीक है, अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि कॉग्निटिव जो है वो मेंटल, बेसिकली मेंटल एक्टिविटी से कनेक्टेड होता है एंड यहाँ पर मेंटली आपको डेवलप करना ये ज़रूरी होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें अफेक्टिव डोमेन की, तो अफेक्टिव किसके साथ कनेक्टेड होता है, ये इमोशंस के साथ कनेक्टेड होता है, आपका किसी चीज़ को लेकर के एटीट्यूड क्या है, है ना, किसी चीज़ को लेकर के फीलिंग्स क्या है, इमोशंस क्या है, उससे रिलेटेड होता है अफेक्टिव। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आपको बुक्स में से ही पढ़ाना है, सिर्फ और सिर्फ आपको पेपर में पास करवाना है, इतना ही मोटिव नहीं होता है टीचर का टीचिंग करते हुए। यहाँ पर बेसिकली टीचर को ये भी होता है कि हाँ भी बच्चों में ना एक, कई कई ना आपने बच्चे देखे होंगे, हो सकता है आप में से भी बहुत सारे बच्चे हों कि ना हर एक चीज़ को, हर एक सिचुएशन को नेगेटिवली वो देखते हैं, है ना, पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रखते हैं, उन्हें हमेशा एक डर बना रहता है, वो हमेशा नेगेटिव पहले सोचते हैं पॉजिटिव बाद में सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके जो एटीट्यूड है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करो। जो बच्चे होते हैं तो इमोशनली हम लोग स्टेबल नहीं होते हैं, तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम सीखते हैं वैसे वैसे हमारे इमोशन स्टेबल होते हैं, बच्चों को कैसे मोटिवेटेड रखना है, है ना, उनकी कैसे हर एक एक्टिविटीज़ में उनको पार्टिसिपेट करवाना है। साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सीख तो रहे होते हैं बट उसकी ना वैल्यू नहीं कर पाते हैं, बाद में जाके उन्हें उसकी वैल्यू समझ में आती है, तो यहाँ पर ये चीज़ सिखाई जाती है टीचर के द्वारा बच्चों को कि जो भी आप सीख रहे हो, व्हाट इज़ बीइंग लर्नड, जो भी आप लर्न कर रहे हो उसको आपने कैसे वैल्यू करना है एंड वैल्यू करके कैसे अपनी जो लाइफ है ना, अपनी जो लाइफ है उसके अंदर आपको डिसिप्लिन लेकर के आना है। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एटीट्यूड, मोटिवेशन, इमोशंस, एक पॉजिटिव इमोशंस, स्टेबल इमोशंस और साथ ही साथ एक डिसिप्लिन आपको कैसे लेकर के आना है लाइफ में, ये सिखाना भी एक टीचर का यहाँ पर पर्पस रहता है। डन, आए समझ। इसके बाद हम चलते हैं साइकोमोटर डोमेन पे। ये बेसिकली ना किसके साथ कनेक्टेड होता है, मोटर का मतलब क्या होता है ना, मूवमेंट। ठीक है, मोटर का मतलब वो मोटर, वो घर वाली मोटर नहीं जो आप चलाते हैं पानी के लिए, है ना, वो वाली मोटर नहीं, यहाँ पर मोटर का मतलब क्या है, बेसिकली मूवमेंट होना, है ना, यहाँ पर जो मसल्स की मूवमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे अभी आप ना टाइपिंग सीख रहे हैं, है ना, टाइपिंग करनी सीख रहे हैं, तो आप एक मेंटल एक्टिविटी कर रहे हैं जहाँ पे आपका दिमाग का भी यूज़ होगा, साथ ही साथ जो आपके बॉडी मसल्स हैं वो भी मूव करेंगे, यहाँ पे आपकी उंगलियाँ मूव करेंगी, तो आपको एक कंट्रोल आना चाहिए अपनी उंगलियों पर कि कैसे हमें कंट्रोल रखना है, कैसे उसकी स्पीड बढ़ानी है उंगलियों की, है ना। तो यहाँ पर ये किससे रिलेटेड होता है, साइको मोटर डोमेन जो होता है पहले नंबर पर, तो ये जो है वो रिलेटेड होता है जो मूवमेंट होती है ना अपनी बॉडी मसल्स की, उनको कैसे
हम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, उनको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, उससे कनेक्टेड होता है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे क्योंकि ये साइको मोटर है ना, साइको मतलब साइकोलॉजी से जो कनेक्टेड है, जो एक चीज़ जो अपने दिमाग से या मेंटल एक्टिविटी से कनेक्टेड है उससे ये कनेक्टेड हो गया। तो कोई भी जब हम मेंटल एक्टिविटी करते हैं उस टाइम पे अपने जो दिमाग की जो मसल्स होती हैं वो भी एक्टिव रहनी चाहिए, और साथ ही साथ जो है हम उसे अच्छे से सीख पाएँ, और साथ ही साथ जो बॉडी मसल्स होती हैं उसकी मूवमेंट भी अच्छे से हो सके, उसके ऊपर भी हमारा एक अच्छा कंट्रोल होना चाहिए, उसको डेवलप करना ये साइको मोटर डोमेन में आ जाता है। उसके अलावा अगर आप कुछ टेक्निकल स्किल्स सीख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड है, कोई वेबसाइट बनानी है ना, कोई इंजीनियरिंग की कुछ भी एक्टिविटीज़ वगैरह हैं, कोई भी अगर आप टेक्निकल स्किल्स सीख रहे हैं तो वो एक्वायर करना, वो अच्छे से एक्वायर करना टेक्निकल स्किल्स, वो भी इसी के अंदर आ जाता है। सो ब्लूम के अकॉर्डिंग जब हम टीचिंग करते हैं या हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं तो उसके ये तीन ऑब्जेक्टिव रहते हैं। एटलीस्ट आपको नेम प्लस बेसिक मीनिंग इनके पता रहने चाहिए, एग्जाम में डेफिनेटली आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन। इसके बाद हम चलते हैं गैगने एंड ब्रिक्स के अकॉर्डिंग भी कुछ क्लासिफिकेशन है। गैगने एंड ब्रिक्स जो ऑथर थे उन्होंने भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं टीचिंग के और इंस्ट्रक्शन के, क्या कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। उन्होंने पांच ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं, कितने, पांच, कौन कौन से, इंटेलेक्चुअल स्किल्स, कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज, वर्बल इंफॉर्मेशन, मोटर स्किल्स एंड एटीट्यूड्स। इसको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको ना कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल में डिफरेंस बताती हूँ। मैंने आपको बोला था ना अभी कि हल्का सा डिफरेंस होता है दोनों में, तो क्या डिफरेंस होता है उसी को हम देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको कॉग्निटिव का बताती हूँ कि कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज में क्या होता है ना, कि किसी भी बच्चे के अंदर जो है ये एक एबिलिटी को डेवलप करना कि वो नॉलेज को बढ़िया तरीके से एक्वायर कर सके। जैसे मैं आपको अभी नॉलेज दे रही हूँ है ना, तो नॉलेज को आप अच्छे से, आपको मैं इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो आप इसको अच्छे से, सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि आपको यहाँ पर रट्टे मारने हैं ना, कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको समझा रही हूँ, तो यहाँ पर जो आप नॉलेज को एक्वायर भी कर रहे हो, नॉलेज को समझ रहे हो, चीज़ों को सोचने की, किसी भी सिचुएशन में आपको ऐसे नहीं चके हाँ भी चक्के मुँह आपको सीधा कुछ भी रिएक्ट कर देना है, किसी भी सिचुएशन में हमें कैसे डील करना है, कैसे रिएक्ट करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर सिखाई जाती हैं। किसी चीज़ को कैसे समझना है, प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करनी है ना, ये सारी चीज़ों की डेवलपमेंट यहाँ पे, इन सारे स्किल्स की डेवलपमेंट यहाँ पे की जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था कॉग्निटिव किससे रिलेटेड होता है, मेंटल एक्टिविटी से रिलेटेड होता है, मेंटल प्रोसेस से रिलेटेड होता है। तो आपके सामने जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, आप उसको अच्छे से एक्वायर कर रहे हो, उसको अटेंटिव होकर के सुन रहे हो, समझ रहे हो, याद रख रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो, और साथ ही साथ आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप उसको सॉल्व कर पा रहे हो। ये सारी स्किल्स को डेवलप करना किसके अंदर आ जाता है, कॉग्निटिव के अंदर आ जाता है, ठीक है। ये वो स्किल्स होती हैं बेसिकली जो बचपन से ही डेवलप की जाती हैं। जैसे आप छोटे होते हो ना, आप पैदा हुए हो, आप इन्फेंट हो, बेबी हो छोटे से, है ना, तो तब से ही आपके अंदर ये सारी स्किल्स जो हैं वो धीरे धीरे, जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे, जैसे जैसे आप एक्सपीरियंसेस करते जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को, वैसे वैसे आपके अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपकी होती रहेगी। एंड ये सारी उम्र चलती रहती है, मतलब जब तक आप ओल्ड एज में जाते हैं ना, थ्रू आउट लाइफ ये चीज़ कंटिन्यू रहती है, ठीक है। अभी हम चलते हैं इंटेलेक्चुअल पे। तो लगभग ना ये दोनों टर्म्स वैसे तो देखने में भी सिनोनिम लग रही है कि कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल एक जैसी होती है भी ये लगभग एक जैसी, रिलेटेड ही हैं दोनों चीज़ें, बस अब माइनर सा डिफरेंस क्या होता है, ये एक लेवल अप हो जाती है, इंटेलेक्चुअल जो होती है ना ये एक लेवल अप हो जाती है, ये कॉग्निटिव का ही पार्ट है। इंटेलेक्चुअल जो है ना ये कॉग्निटिव का ही पार्ट है। कॉग्निटिव तो नॉर्मली ना देखो अभी सारे बच्चों में देखने को मिलती है, किसी में थोड़ी सी कम, किसी में ज़्यादा, है ना। जब आप बचपन में होते हैं तो जनरल लेवल पर हमें चीज़ें सिखाई जाती हैं, और जैसे जैसे बड़े होते हैं हम चीज़ें सीखते हैं, हमारा मेंटल डेवलपमेंट होता है, हम चीज़ों को समझने लगते हैं, तो लगभग सारे बच्चे ही ऐसे ये इस चीज़ को लेकर के रहते हैं। बट ना उन सभी बच्चों में से आपने देखा होगा कि कुछ दो चार बच्चे ऐसे भी होंगे जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, राइट, जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, उनके लिए ना कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स, मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट की को भी वो यूं चुटकियों में समझ लेते हैं, यूं चुटकियों में अंडरस्टैंड कर लेते हैं, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस के साथ कैसे डील करना है, जो भी चीज़ें रहती हैं, कॉन्सेप्ट रहते हैं, चीज़ें रहती हैं, उनको ईजिली वो लोग सीख लेते हैं, उन्हें बार बार समझाने की नीड नहीं पड़ती है, एक ही बार में उनको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं, चाहे वो मुश्किल है चाहे वो ईजी है, ठीक है। तो बेसिकली उन सभी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हाई थिंकिंग स्किल्स चाहिए होती हैं, है ना, हाई थिंकिंग एबिलिटीज़ चाहिए होते हैं, अंडरस्टैंडिंग एबिलिटीज़ चाहिए होती हैं बच्चे के अंदर होनी चाहिए, तो इन सभी चीज़ों को करने के लिए बहुत हाई लेवल ऑफ थिंकिंग स्किल्स चाहिए होती हैं। ये सभी बच्चों में देखने को नहीं मिलती है, होता है ना, मतलब कुछ आप बोल देते हैं कि कुछ बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, वो चीज़ों को यूँ मतलब सीख जाते हैं, तो ये होती है इंटेलेक्चुअल स्किल्स। आया समझ, यहाँ पर कॉन्सेप्ट को लर्न करना है प्लस रूल लर्निंग है, रूल यूजिंग
कोचिंग है, यानी कि कौन से सिचुएशन में कैसे हमने बिहेव करना है, डील करना है, कौन से सिचुएशन में क्या रूल्स अप्लाई करने हैं, प्लस प्रॉब्लम को यूँ सॉल्व करना है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों टर्म्स हैं तो रिलेटेड ही, बस हल्का सा डिफरेंस है जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव ही, मतलब इंटेलेक्चुअल स्किल्स भी बच्चे के अंदर डेवलप करना और कॉग्निटिव स्किल्स भी डेवलप करना, ये दोनों ही ऑब्जेक्टिव रहते हैं गैगने और ब्रिक्स के अकॉर्डिंग। उसके अलावा तीन और कौन से ऑब्जेक्टिव रहते हैं वो भी हम देख लेते हैं। थर्ड वन इज वर्बल इन्फॉर्मेशन। वर्बल इन्फॉर्मेशन सिंपल सी चीज़ है, मतलब अगर हम लोग टीचिंग कर रहे हैं या जैसे अभी मैं आपके सामने टीचिंग कर रही हूँ, तो मेरा जो है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में नॉलेज को प्रोवाइड करना। यही अगर मैं सारी ये पीपीटी खिंडा दूँ सारी की सारी, मतलब एक पॉइंट कहीं लिखा हुआ है, एक पॉइंट कहीं लिखा हुआ है, ये पॉइंट्स में नहीं कर रखे हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं आपको अच्छे से नहीं समझ में आएगा। अगर कोई टॉपिक पहले हो रहा है, कोई टॉपिक बाद में हो रहा है, तो भी हो सकता है आपकी तैयारी बिगड़े। एक स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी की जाती है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में जब आपको नॉलेज दी जाती है तो वही अच्छी बात रहती है। नॉर्मली जो मतलब स्कूल्स में या कॉलेजेस में रहता है, आपको ऐसा तो नहीं कि टीचर जब आप बीकॉम में थे या एमकॉम में थे या एमबीए में थे, है ना, किसी भी आप जो भी आपने पढ़ाई की है, जो भी आप स्ट्रीम से हैं बेसिकली बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे आपको स्कूल में कॉलेजेस में ऐसे अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से तो नहीं पढ़ाया जाता था ना। जो भी आपका प्रॉपर यूनिट वाइज सिलेबस रहता था, यूनिट 1, 2, 3, 4 सभी का जो सिलेबस है वो प्रॉपर आपको करवाया जाता था, प्रॉपर बुक्स में से आपको प्रोवाइड की जाती थी, है ना। तो बस वही चीज़ हो जाती है कि यहाँ पर एक जो एक ओरल वर्बल इन्फॉर्मेशन रहती है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में नॉलेज प्रोवाइड करना बच्चों को, ये भी ऑब्जेक्टिव रहता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है मोटर स्किल्स। जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया साइको मोटर डोमेन, तो उसी से ही ये रिलेटेड है। बस जैसे मैंने आपको बताया ना, साइको मोटर में बेसिकली मेंटल एक्टिविटीज़ का थोड़ा सा रोल इंक्लूड हो जाता है, ज़्यादा बॉडी मसल्स के साथ साथ मेंटल एक्टिविटीज़ का भी रोल रहता है। जो ओवरऑल मोटर स्किल्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर भी वही चीज़ आ जाती है कि जो भी फिजिकल मूवमेंट्स हो रही है ना, मसल्स की मूवमेंट हो रही है, प्लस ब्रेन की मसल्स की मूवमेंट है, बॉडी की मसल्स की मूवमेंट है, उनको आपस में कोऑर्डिनेट करना है। जैसे ना आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, स्विंग मशीन, जैसे ना कपड़े सिलने वाली मशीन होती है स्विंग मशीन, है ना, तो वहाँ पे जैसे पैर हिलाया जाता है जैसे, और साथ में हाथों की भी मूवमेंट होती है, तो कब कितना हाथों की मूवमेंट करनी है, कब कितना पैर चलाना है, वो चीज़ बेसिकली यहाँ पर आना चाहिए, उस चीज़ पे कंट्रोल होना चाहिए, है ना। कब कितना करना है ये सीखना ही एक कला है, सीखना ही एक स्किल्स है। आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, ड्राइविंग करना सीख रहे हैं, तो वहाँ पे आप स्टेयरिंग को जो है वो लेफ्ट में लेके जा रहे हैं, है ना, आपका कंट्रोल ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं किसी के भी बीच में जाके ठोक दोगे, है ना। आपको मतलब जाना लेफ्ट में है, आपका कंट्रोल नहीं हुआ लेफ्ट में, नहीं कि राइट में चले गए किसी के बीच में, मतलब आपने किसी को गिरा दिया, है ना, ऐसा कुछ आप कर दोगे। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे जब हम गाड़ी सीखते हैं तो हम क्या करते हैं कि हमारे हाथों पे, हमारे पैरों पे, हर जगह पे कंट्रोल होना चाहिए। कब ब्रेक दबानी है, कब कौन सा गियर चेंज करना है, कब स्टेयरिंग को लेफ्ट घुमाना है, राइट घुमाना है, नॉर्मल रखना है, तो ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, है ना। तो ये सारी स्किल्स जो होती है वो मोटर स्किल्स में आ जाती हैं। तो टीचिंग के थ्रू, मतलब ये टीचिंग के अंदर बेसिकली सब्जेक्ट टीचिंग से कनेक्टेड नहीं है, ये ओवरऑल इन्होंने बताया है, तभी यहाँ पर इंस्ट्रक्शनल भी लिखा है, ना, साथ में इंस्ट्रक्शनल क्यों लिखा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ओवरऑल जब लाइफ में भी हम लोग किसी भी टॉपिक को लेकर के, किसी भी जॉब को लेकर के, किसी भी टास्क को लेकर के इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, तो यहाँ पर बच्चे के अंदर मोटर स्किल्स भी डेवलप करना ऑब्जेक्टिव हो जाता है। तो ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट से ही रिलेटेड हों आपके, है ना। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है दैट इज़ एटीट्यूड्स। एटीट्यूड्स में क्या होता है कि जैसे अभी मैंने आपको पीछे बताया था ये वाले पॉइंट में, अफेक्टिव वाले पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि एक एटीट्यूड डेवलप करना, तो ये उसी से रिलेटेड है, सेम ही एक्सप्लेनेशन रहेगी। एक बच्चे के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना, एक उनके एक बिहेवियर को शेप करना, प्लस उन्हें मोटिवेटेड रखना, ये भी एक टीचर का ऑब्जेक्टिव रहता है, ठीक है। सो ये हो गए जी हमारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगी लेवल्स ऑफ टीचिंग। सो आज के लिए इतना ही। कैसी लगी हो वीडियो प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, ठीक है। और कोई कमी लगी हो तो उसके रिगार्डिंग भी आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं, मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकूँ, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।